उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी सफाया हो जाएगा, वो अपने कुर्सी पर नहीं टिक सकते। दीदी ओ दीदी, दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत चुनाव से जुड़े ऐसे टोटके की जो मुख्यमंत्री की गद्दी छीन लेता है, और बनारस में अखिलेश से लगातार हारती बीजेपी की। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी ने खेला किया, वैसे ही अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से हटाकर खेला करने के फुल मूड में है। पश्चिम बंगाल में खेला होबे नारा बीजेपी के खिलाफ था, बंगाली में था, लेकिन यूपी के पूर्वांचल में खेला होबे नारे वाले बोर्ड वाराणसी से लगने शुरू हो गए हैं। वाराणसी में खेला होई वाले पोस्टर लगने के पीछे खास मकसद भी है। दोस्तों आपको याद होगा, बंगाल में नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी जैसे लफ्जों से चिढ़ाने की कोशिश की थी। दीदी ओ दीदी, उसी बीच ममता बनर्जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी को बनारस में करारा जवाब दिया जाएगा। यहां तक कि ममता बनर्जी ने बंगाल से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया था। तब मोदी ने क्या कहा था वो सुनिए, फिर आगे समाजवादी पार्टी का खेला होई के पीछे वाला राज आपको बताएंगे। पार्टी अब कह रही है कि दीदी अब वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। दीदी, मेरे बनारस के लोग, मेरी काशी के लोग, यूपी के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट नहीं कहेंगे। ममता बनर्जी किसी भी तरह वाराणसी में मोदी को परेशान करेंगी। नरेंद्र मोदी को ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, इसीलिए समाजवादियों ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मेंटली पीछे धकेलने के लिए अभी से बनारस के आसपास खेला होबे के पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी के बनारस में नरेंद्र मोदी की बीजेपी पिछले कुछ चुनाव हारती चली आ रही है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले एमएलसी का चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी हार गई थी, फिर उसके बाद पंचायत चुनाव आए, समाजवादी पार्टी ने पंचायत चुनाव में भी बीजेपी को बुरी तरह से हरा दिया। अब 2022 विधानसभा चुनाव में सपा बीजेपी को मात देने के लिए तैयार है। पंचायत चुनाव में जनता की वोटिंग से सपा की जीत हुई है। अब जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी पुलिस के बल पर चुनाव लड़ रही है। रेप की एफआईआर कराकर, घरों पर बिल्डोजर चलवाकर, जालसाजी करके चुनाव लड़ रही है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीतने वाली पार्टियां हमेशा विधानसभा चुनाव हार जाती हैं। ये यूपी का इतिहास रहा है। अगर बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीत गई तो 2022 में हार निश्चित है। दोस्तों, यूपी की और धुआंधार राजनीतिक खबरों और विश्लेषणों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय भीम, जय भारत।